बनी अब्बास का गवर्नर जो बगदाद में था उसने कहा ये लोग क्यों जाते इनको शहीद शहीदों मैं बोल रहा शहीद उसने ने ये भी नहीं कहा जमाना हो गया अब क्या उसके तोड़ दो खबर को जैसे बनी अब्बास की तोड़ दो, दो। दरबार में जब उसने ऐलान किया वहां पर शिया तखिए में अपने मजहब को छुपाया हुआ जो इस हाकिम के जरा करीब था उसने उठ के कहा हाकिम वक्त ये शियों का ये, कि इमाम तो इमाम है, इनके ओलमा है उनकी मैयत को भी जमीन हाथ नहीं लगाती कभी आपने सोचा यह बात कि एक दफा दफन करने के बाद पार, हमारे पास हुक्म के ग्रेफ को खोलो मत, लहत को मत खोलो क्यों नहीं खोलो कभी नहीं खोलो अनलैस कोई ऐसा मसला आ जाए जान का किसी को खतरा है अब यह कई वाकत आपको इसमें भी मिलेंगे मैयें बदल भी गई मेरी वो टॉपिक्स नहीं है मेरे वरना मैं पढ़ता हूं मैय बदली कैसे तो हुक्म यह है शरी, शरीय का हुक्म एक दफा लिटाया एक दफा तुमने ग्रेब को बंद कर दिया पे ऊपर लगा दी मिट्टी डाल दी खलास अब तुम खोल ही नहीं सकते अनलेस जान का खतरा कोई ऐसा मसला हो जाए कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे चले जाए कोई पैसा गिर जाए मिसाल के तौर तो, तो आप वो भी आप नहीं खोल सकते हाकिमे शरा से इजाजत लेना लाजिम है कि क्या मैं अपने बाप की लहर खोलू ये 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 मसला है वो पूछेगा कि कहां से खोलना और वो इजाजत देगा तो आप खोल सकते क्यों वाई? क्या फर्क पड़ता इसीलिए कि एक दफा लेटा दिया बंद हो गई ग्रेव। तुम्हारे बाप की माँ की हमारी हालत ऐसी हो जाएगी कि बेटा देख भी नहीं सकता ग्यारह सौ साल दोस्तों इयर्स के बाद जब ये बात आई

खूबे ग्रेव खोल के देख लो उसने अब सुनोगे उसने कहा पूरे डेलीगेशन के साथ मैं रहा हूं। पूरे ग्रुप के साथ स्पॉट पे पहुंचा कहा अगर आज इनकी ग्रेव में इनकी बॉडी रहेगी मैं इनका मजार बना दूंगा फिर उधर इमाम की तरफ की तरफ नहीं जाऊंगा अगर नहीं रहेगी सब तोड़ दूंगा पागल तो थे दुश्मन अब सोचो अब ग्रेव खोली गई कितने साल के बाद बार बार बोल रहा है इस पे 1100 साल के बाद 1100 हंड्रेड यस लेवन, लेवन गिरने के लिए आपको टाइम चाहिए जब ग्रेव खोली तो इनकी मैयत ऐसी इंटैक के कफन मैला नहीं हुआ क्या सुन लिया कफन भी मैला नहीं हुआ जैसा लिटाया था वैसी है अब और एक मोजिजा देखो मोजिजा देखो कि इनके पास इनकी बॉडी में इनके जिसिम के पास एक छोटा बच्चा वो भी कफन में लिपटा हुआ है इनफ्रेंट साल डेढ़ साल दो साल का जो भी वो भी लिटा इसके बारे में तारीख में खुश नहीं है कि बच्चा कौन था क्यों लिटाया गया इंतकाल हुआ होगा लिटा दिया बच्चे की बॉडी भी वैसी है बच्चे का कफन भी वैसी है दोस्तों आपने इसी लेकर सुना अब सुनो ये याकूब कुलेनी ने काम किया तो अल्लाह ने इनके जिस्म को बचा लिया अब ये बच्चा क्या सुन रहे यार बच्चा कैसा बच गया ये सिफत मासूम की है कि जो उनके जवान में चला जाए वो बच जाए लगा दे बेटा तू तो मासूम बच जाए यारे। 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 ये सिफत मासूम की है कि अगर तू मासूम के जवार में चले जाओ हर इमाम का एक सर्कल है करबला मौला का एक हदूद है नजफ अशरफ के हदूद है मदीना मुनवरा के हदूद है मशद मुकदस के हदूद है काजमान के हुदूद है के हुदूद। हर इमाम के रोजे की एक बाउंड्री होती है वो कोई नहीं बता सकता कि क्या है अशरफ क्या है लेकिन यह किताबों में है कि लाजिम है, है दफन हो जाए अजाब के फरिश्ते वानिया थी ये रहमत है खुदा है ये इमाम की रहमत है तो ये सिफत इमाम की अब सुनो मौलाम के जमाने में जा जा दा, 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 एक प्लीज एक शख्स ने आके बदू अरब था उसने आगे कहा मौला जमाने जयालत इन्हें रसूल के जमाने से पहले का वाकया कहते मौला वो शेख क्या शेख था माम ने कहा कौन सा शेख कहा एक शेख था जो गर्मी सर्दियों में विंटर में कैंपेनिंग बोलते इसको अरब में, बहुत कॉमन है विंटर जब आता तो ये लोग डेजर्ट्स में चले जाते पैसे वाले और जाके कैंप वैम्प लगाते एंजॉय करते हॉलीडे एंजॉय जैसे आप लोग समर में करते वहां पे विंटर में करते तो वो कैंपेनिंग करा पूरी फैमिली के साथ खानदान के साथ बैठा हुआ था उसके कानों में आवाजें आने लगी कि 40-50 लोग हैं कपड़े को लेके तेज भागते हुए आ रहे ये बाहर निकले इसे पूछा कौन ना तुम लोग तो उन लोगों ने कहा डेजर्ट में एक छोटा सा परिंदा होता जानवर हलाल जानवर टिड्डी उसका बहुत लजीज होता मैं खाया नहीं बोल रहा <laughs> बड़ा मशहूर है इसका गोश्त टिड्डी का गोश्त तो ये डेजर्ट्स में होते वो लोग विंटर में इनका ग्रो का ग्रो टिड्डी का फ्लाई करता हुआ था। और जहां साया होता वहां बैठते तो ये सारे डिडी का ग्रुप आके इसके कैंप के पीछे साया था शेर था मॉन पना ले रहे थे तो ये, ये लोग उसके शिकार के लिए आए थे तो इन लोगों ने कहा शेख तेरे कैम के तेरे घर तेरे कैम के पास वो लोग सहारा ले रहे पना ले रहे और आके तेरे पास ठहर गए हम उसके शिकार के लिए आए उसने तलवार निकाल ली तलवार निकाल के आओ सुनो मेरे पना में वो अरब की नाक मेरी पना में है अगर खुद उड़ के चले जाए तो कोई बात नहीं लेकिन जब तक मेरी पना में है तुम शिकार नहीं कर सकते प्रोटेक्शन मैं दूंगा उन जानवरों को जब यह वाक मौलाली के सामने पेश किया गया अली ने कहा वो शेख क्या पना देगा जो मेरी पना में आएगा मैं सबसे पहले पना दूंगा आप समझे सिफत मासूम सिर्फ के उनकी बनावट जाए तो बच जाएगा लेकिन आप देखो काम करने का नतीजा को इनकी खबर ग्यारह सौ साल के बाद निकाली तो यह बिल्कुल इंटैक्ट थी क्यों इंटैक्ट थी काम किया अपने लिए जिंदा नहीं रहे मौला के लिए इमाम में अपनी जिम्मेदारी समझे जिम्मेदारी समझ के इन्होंने शियत को वो गोल्डन तोहफा दे दिया क्या बारह सौ साल से ग्यारह सौ साल से ये हमारे पास काफी मौजूद है एक ऐसी ऑथेंटिक बुक है इनकी कि जिसको सारे ने कबूल किया एक्सेप्ट किया और इसी किताब के लिए इमाम ने कहा था काफी हमारे शियों के लिए काफी